नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं जिले में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 4 वर्ष जांच हुए समय व्यतीत हुआ, लेकिन दोषी 3 इंजीनियरों पर वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मामला काफी पुराना है, जब जिला रीवा के रायपुर करचुलियान जनपद में मनिकवार नंबर 1 पंचायत की PCC सड़क की जांच का जिम्मा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 2 अधिकारियों को दी गई। उस समय नए पदस्थ कार्यपालन यंत्री RS ध्रुवे और तत्कालीन SDO RD पांडे के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और जांच में पाया गया कि मानपुर से लेकर दिवाकर सिंह के घर तक बनाई गई PCC सड़क गुणवत्ता विहीन और अमानक स्तर की है। जांच के उपरांत 5,70,660 रुपए की वसूली बनाई गई। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और मूल्यांकनकर्ता रायपुर करचुलियान के तत्कालीन सहायक यंत्री संतोष तिवारी एवं 2 उपयंत्री प्रताप वर्धन सिंह एवं जितेंद्र सिंह के द्वारा बराबर बराबर भरी जानी थी। मामला दबा दिया गया, जिसे ना तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री ने उठाना उचित समझा और ना ही जिला पंचायत CEO ने इसकी जानकारी ली। लेकिन जैसे ही मामला सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की नजर में आया, उन्होंने मामले पर कार्यवाही करने की मांग की। फाइल घूमना प्रारंभ हुई और CEO जिला पंचायत रीवा से धारा 40 और 92 की कारण बताओ सूचना पत्र भी संबंधित 3 इंजीनियरों को जारी हुए। CEO रीवा द्वारा कार्यपालन यंत्री RS ध्रुवे के स्पष्ट अभिमत के साथ रिपोर्ट भी तलब की गई। कार्यपालन यंत्री RS ध्रुवे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने पूर्व की गई जांच को यथावत रखा और इंजीनियर के नानुकुर करने के बाद भी 5,70,660 रुपए की रिकवरी भरे जाने के लिए और आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े को 26 मई 2022 को पत्र लिखकर लेख किया। बड़ा सवाल यह था कि पहले 2019-20 की शिकायत पर कार्यवाही नहीं हुई और दोषी पाए जाने के विरुद्ध 3 इंजीनियरों को जिला पंचायत और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संरक्षण प्राप्त हुआ। पर एक बार जब फिर मामला उठा तो इसके बाद भी मई से लेकर सितंबर 2022 पूरे 5 माह जिला पंचायत रीवा में अधिकारी फाइल दबा कर बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसी जांचें सिर्फ शासकीय धन के दुरुपयोग के लिए की जाती हैं? क्या जांचों के दौरान सरकारी मुलजिमों का TA और DA नहीं बनता? क्या शासकीय समय और धन का दुरुपयोग करने के लिए यह वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? सवाल यह भी है, यदि शिकायत की जांच हुई और अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही और आगे की दंडात्मक प्रक्रिया प्रारंभ क्यों नहीं होती है? क्या वरिष्ठ अधिकारी इन दोषी पाए गए इंजीनियर को हाईकोर्ट में स्टे लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं? जिला स्तर पर बैठे इन वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली और मनसा प्रश्न के दायरे में तब आ जाती है जब इस प्रकार के मामले अक्सर प्रकाश में आ जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने प्रश्न खड़े किए हैं और कहा है कि भले ही अधिकारी अपने बचाव में दुनिया भर की बातें करें, लेकिन सच्चाई यही है कि जितना भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में हो रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति से 75 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ग्राम पंचायतों की दुर्दशा बराबर बनी हुई है, इसके पीछे उच्च पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी ही हैं। यदि टॉप लेवल पर बैठा हुआ अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे तो निश्चित तौर पर निचले स्तर पर कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार करने की हिमाकत नहीं करेंगे। लेकिन पूरा संरक्षण ऊपर से मिल रहा है, जिसके कारण पूरे प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान जनपद अंतर्गत एक मनिकवार नंबर 1 पंचायत है, इसमें एक शिकायत हुई थी मानपुर से लेकर के दिवाकर सिंह के खेत तक एक PCC सड़क थी, जिसमें गुणवत्ता विहीन कार्य के विषय में शिकायत की गई थी और उसमें इसकी जांच की गई। उस समय RS ध्रुवे जो कार्यपालन यंत्री आए हुए थे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के और RD पांडे जो SDO थे उनके द्वारा जांच की गई संयुक्त रूप से। जांच में लगभग 5,70,660 रुपए की इसमें रिकवरी बनाई गई। पूरी तरह से PCC सड़क का बेस सही नहीं था, उसका सरफेस सही नहीं था, गुणवत्ता विहीन कार्य बताया गया। अब इसमें जो सरपंच सचिव थे तत्कालीन, उनके ऊपर ये रिकवरी बनी और 3 इंजीनियर, एक तो सहायक यंत्री संतोष तिवारी, बहुचर्चित भ्रष्ट सहायक यंत्री, क्योंकि उन्होंने तो कमिश्नर के आदेश को पलीता लगाते हुए इनकी जो असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रुकी थी उसको भी उन्होंने हासिल कर लिया और प्रमोशन ले लिया, इनकी शिकायत भी हुई थी। और दूसरे 2 इंजीनियर थे, प्रताप वर्धन सिंह थे जो रायपुर करचुलियान में, और एक रायपुर करचुलियान में ही सर्व शिक्षा मिशन में एक इंजीनियर थे जितेंद्र सिंह, इनके ऊपर रिकवरी बनाई गई।
ये फाइल दबा दी गई। इसके बाद 4092 के प्रकरण के लिए इसमें कार्यवाही हेतु इसकी हमने इसकी मांग की, तो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RS धुर्वे ने इस बाबत जानकारी प्रेषित की और उनको अभी 26 मई 2022 को इस विषय पर वापस अपने अभिमत के साथ भेजा है। लगभग 4-5 महीने का समय व्यतीत हो गया है और अभी तक फाइल दबी हुई है। तो ये पता चला कि जिला पंचायत कार्यालय में फाइल पता नहीं कहाँ दब जाती है, ये कौन से अधिकारी कर्मचारी दबा लेते हैं, संभवतः जिला पंचायत CEO के समक्ष पहुँच पाती है कि भी नहीं। हालांकि हमने CEO जिला पंचायत को इस बाबत उनको व्हाट्सएप में कई रिमाइंडर भी भेजे हैं कि इस पर कार्यवाही करें। देखिए, हालत यह है कि इंजीनियरों का रोल पूरे ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार में अहम रहता है और जब तक इन इंजीनियर के ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, सही तरीके से सत्यापन मूल्यांकन का काम ये नहीं करेंगे, इसी तरह से भ्रष्टाचार फैलाते रहेंगे, तो किसी भी तरह से हम ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार होते नहीं देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से चाहे 75 साल नहीं 7500 साल बीत जाए, फिर भी ग्राम पंचायतों की स्थिति ऐसी रहेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस बाबत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और इन तीनों इंजीनियरों को कार्यवाही की जाए, इनके ऊपर इनसे वसूली की जाए और साथ में इनके ऊपर FIR भी दर्ज करवाई जाए।